हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है गाइस। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के जो मैंने सीरीज चला रखी है, आज की सीरीज 4 है हमारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा गाइस, जिसमें आप 5 सेकंड में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। गाइस, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसमें टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, और क्वेश्चन छूट जाएंगे तो समझ लीजिएगा आप कि सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ टाइम मैनेज करिएगा, 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द बताना है आपको, इन चारों में से कौन सा विषम शब्द है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार इन सवालों को करने हैं। मैं कहता हूँ मात्र 2 सेकंड का ये सवाल था। देखिए, आपको एक भिन्न शब्द इसमें विषम शब्द चुनना है, यानी इनसे अलग चुनना है। तो देखिए, एक वर्ग मीटर, वर्ग मीटर जो होता है ये भी नाप तोल की इकाई है, वर्ग फिट भी नाप तोल की इकाई है, और आपका वर्ग इंच भी किसी चीज़ को नाप तोल की इकाई है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल होता है किसी भी संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये नाप तोल की इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आपका सही हो जाएगा। ये यहाँ पे विषम शब्द है गाइज। आशा करता हूँ पसंद आ रहा होगा आपको ये सेशन। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध में सही निरूपित करता है, यानी आपको सही निरूपित करता है। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो चुका है बच्चा, आ जाइए। देखिए, इसमें आपको बताना है निर्देशक, अभिनेता और डॉक्टर, ऐसा वैनारिक बनाना है जो 100% आपका सही होना चाहिए। ऐसे बहुत अवैनारिक होते हैं बच्चों, जो 50% या 90% लगते हैं, लेकिन हमें 100% बताना है। देखिए, निर्देशक, अभिनेता, डॉक्टर, मान लेता हूँ ये अभिनेता हैं, ये वाले अभिनेता हैं। अब कुछ ऐसे अभिनेता होंगे जो डॉक्टर होंगे, कुछ ऐसे अभिनेता होंगे जो डॉक्टर होंगे, कुछ ऐसे निर्देशक होंगे जो डॉक्टर भी होंगे और आपके अभिनेता भी होंगे, यानी कि ये आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। यानी किस ऑप्शन में आपका? ऑप्शन नंबर डी में आपका ये सही हो जाएगा कि आपका ये जो है सही आंसर होने वाला है। जिन बच्चों ने इसमें गलती की है तो प्लीज़ गाड़ी को साइड में लगाइए। ऑप्शन ए जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। प्लीज़ इसमें आपको जाके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि आप इन चीज़ों को समझ पाए। चलिए बच्चों, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं गाइज? 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो चुका है बच्चों आपका। आइए देख लेते हैं ऐसे सवालों को किस प्रकार हम करते हैं। देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? मैं आपको ऑलरेडी पहले भी इस चीज को समझा चुका हूं, यदि ऐसी आकृति आ जाए और इसमें एक डंडा बीच में है तो इसमें 3 त्रिभुज बनते हैं बच्चों। ये 3 त्रिभुज इसमें बन गए हैं आपके, 3 ट्रेंगल बन गए हैं। अगर 3 ट्रेंगल आपके इस वाले पोर्शन में 3 ट्रेंगल बन गए हैं तो 3 ट्रेंगल एक इस पोर्शन में भी बनेंगे बच्चों। तो 3 इसमें बन जाएंगे, यानी 3 ये हो गए और 3 और, यानी कि टोटल इसमें 6 हो गए। और इसमें और देखते हैं और कौन से आता है, तो एक त्रिभुज आपका यहाँ पे ये बचा हुआ है, तो इसको भी यहाँ काउंट कर लेते हैं। 6 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 त्रिभुज इसमें है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इन सवालों को कर पाएंगे। मात्र 2 सेकंड का सवाल था जिसमें आपको मैंने 5 सेकंड दिया था। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को पूरा देखा करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर किया करो जिससे कि और बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके गाइज। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या आपको बतानी है। 5 सेकंड का समय मिलता है गाइस आपको। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो चुका है बच्चों। आइए देख लेते हैं ऐसे सवाल कैसे करने हैं आपको। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी ये ऐसे सवाल करने बताए हैं। जब भी ऐसे सवाल आ जाएं आपके, तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, या तो आप इस तरीके से एरो लग रहा है यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे,
या आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अगर इन दो चीज़ों में आप सोल्व करने में माहिर हैं तो आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ से देखता हूँ मैं नीचे को, तो मुझे पता चल रहा है इसका टोटल बच्चों 99 हो रहा है, यानी अगर आप इसे जोड़ेंगे 5 4 9, 4 3 7 8 9, ये 99 हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट में भी 99 हो रहा है क्या, यहाँ पे 5 4 9, यानी कि यहाँ भी 99 हो रहा है। तो मुझे पता चल गया सवाल का जो मैटर है, सवाल का जो पैटर्न है वो सारा पता चल चुका है, यानी यहाँ पर मुझे 99 जो है लाना है। अब मैं 99 7 7 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 99 आ जाए, तो मैं यहाँ पे 2 जोड़ दूँ, तो मुझे पता चल गया ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर मैं 42 रख दूँ बच्चों तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 99 यहाँ पे आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप गलत ना करें। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए जो चित्र के आधार पर बताइए 3 के सम्मुख कौन है, यानी 3 के विपरीत बताना है आपको या 3 के सम्मुख कौन है, ऑप्शन आपको बताना है। इसमें से 5 सेकंड का समय मिलता है गाइज आपको, टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो चुका है बच्चों आपका। आइए देख लेते हैं ऐसे सवालों को आप किस प्रकार करेंगे। देखिए अगर आपको एक ही पांसे की 4 स्थिति दिखाई जाती हैं, तो आपको ये देखना है 3 हमारा जिसके विपरीत आपको ढूंढना है, तो हमारा 3 यहाँ पे है, तो इसको आप यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका जो इसमें ऐसा कौन सा है, ये 6 है और ये 5 है, ये देखिए और किस में कॉमन है 6 5, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यानी यहाँ पे ये कॉमन है दोनों। तो मुझे पता है जब कॉमन शब्द मिल जाते हैं तो बचा हुआ, जब दो कॉमन शब्द एक ही पासे में, दो पासे के एक ही स्थिति में आ जाते हैं, तो गाइज उनके विपरीत जो भी अंक बचता है वो उनके विपरीत होता है। जो यहाँ पे 4 बचा हुआ है तो मुझे पता चल गया इसके विपरीत बच्चों 3 के विपरीत क्या है, 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा और ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन सवालों को आप चुटकी में बजाते ही कर सकते हैं, मात्र 3 सेकंड का सवाल था गाइज। तो गाइज आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।